हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहरुख और आप देख रहे हैं एसआर का टेक्निकल। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करें इजी नेट वन क्लिप कनेक्टिविटी एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों एप्लीकेशन है क्या और किस प्रकार से काम करेगा, दोस्तों इस वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहना, वीडियो कोई भी अच्छा लग जाए तो प्लीज दोस्तों वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो दोस्तों ये एक वीपीएन एप्लीकेशन जिसके अंदर 100+ न्यू लोकेशन अपडेट अवेलेबल हो जाएंगे गाइस। चॉइस यूअर सर्वर्स ऑप्शन अवेलेबल, सब फास्टर कनेक्टिंग ऑप्शन दिखाई देगा आपको, सिंपल सा कनेक्टिविटी है एंड गाइस अनलिमिटेड फ्री वीपीएन को यूज कर सकते हैं। प्रॉक्सी वीपीएन अवेलेबल है गाइस इसके अंदर, जो आप इजिली तरीके से यूजिंग कर सकते हो। 100% फ्री यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। प्राइवेट दिखाई देगा, प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन, काफ़ी सारे कंट्रीज के सर्वर्स मिल जाएंगे, हाई स्पीड लाइनअप दिखाई देंगे आपको गाइस। इसके अंदर टाइमर वगैरह भी काफ़ी दिया हुआ है। तो चलिए करते हैं, मैं एप्लीकेशन को ओपन और आपको बताता हूँ इस एप्लीकेशन का यूजिंग साइट किस प्रकार से आएगा। दोस्तों स्टार्टअप कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, स्टार्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर टच कर देना गाइस। कुछ परमिशन मांगेगा, अलाउ कर देना है गाइस। अलाउ करने के बाद वेट करना है गाइस। वेट करने के बाद यहाँ पे ओपन साइट होके आएगा। ओपन साइट कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसके अंदर यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसके अंदर आप यहाँ पे आपको देख सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे नेटवर्क स्पीड ऑप्शन दिखाई देगा, फिक्स नेटवर्क नेटवर्क ऑप्शन दिखाई देगा। टाइमर बढ़ाना चाहते हैं तो टाइम्स वगैरह भी अगेन कर सकते हो। आपको दिखाई देगा ऊपर की साइड में स्मार्ट कनेक्टिंग, यहाँ पे स्मार्ट कनेक्टिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे सर्वर सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि आपको यहाँ पे कनेक्टिंग दिखाई देगा कुछ इस प्रकार से, जो कि कनेक्टिविटी होके आएगा गाइस। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। सेटिंग के अंदर प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे आपको सर्विस ऑप्शन दिखाई देगा गाइस। सर्विस ऑप्शन के बाद यहाँ पे आपको इस प्रकार से, जो कि आपको सर्विस ऑप्शन ऑन होने के बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन ऑप्शन दिखाई देगा। नोटिफिकेशन ऑप्शन ऑन होने के बाद वर्जन ऑप्शन दिखाई देगा। अगर नोटिफिकेशन इसके ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन रख सकते हैं, या फिर ऑफ करना चाहते हैं तो आप ऑफ भी कर सकते हैं। अब दोस्तों अपने जिस चीज़ के लिए सो कनेक्टिविटी लिए, यहाँ पे 13 मिनट्स तो आपको अगेन मिल रहे हैं यूज़ करने के लिए। अगर टाइम्स बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे अपन टाइम्स भी ऐड देके टाइम्स अगेन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जिस चीज़ के लिए यूजिंग करना था उस चीज़ के लिए अपन ने इसको लिया था, उस चीज़ के लिए यूज़ कर ले रहे हैं। अब अपन ने इसको यूज़ तो कर लिया, इसको डिसकनेक्टिंग कैसे करेंगे, तो ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे स्टॉप का। स्टॉप के ऑप्शन पर टच करेंगे और ये यहाँ पे इस प्रकार से डिसकनेक्ट होके आ जाएगा। अगर फिर से कनेक्टिंग करना चाहते हैं तो इसी को ऑप्शन पर टच करेंगे एंड गाइस यहाँ पे कनेक्टिविटी होके आ जाएंगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर नेटवर्क स्पीड टेस्ट वगैरह करना चाहते हैं तो नेटवर्क स्पीड टेस्ट वगैरह करेंगे, स्पीड टेस्टिंग ऑप्शन दिखाई देगा। टेस्टिंग करते हैं, अब यहाँ पे दिखाते हैं अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग स्पीड कितनी आएंगी, लास्ट कितने MBPS चल रहा है यहाँ पे। तो इस प्रकार से MBPS यहाँ पे अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग आपके सामने यहाँ पे ओपन होकर आएंगे गाइस। तो यहाँ पे इस प्रकार से इस एप्लीकेशन का यूजिंग साइड गाइस। वीडियो अच्छा लगा वीडियो कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।